ओडिशा के बालासोर में हुई दर्दनाक ट्रेन हादसे के बाद इस मामले में सियासत थमने की जगह और तेज हो गई। इस कड़ी में राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की। बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए केंद्र पर निशाना साधते हुए लिखा, 270 प्लस मौतों के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं। मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती। प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। गौरतलब है कि इस भीषण रेल हादसे के बाद से ही विपक्ष लगातार सरकार से रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, जिसके बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने भी खुलकर रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी। वहीं राहुल गांधी के अलावा मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का भी ट्वीट सामने आया, जिसमें प्रियंका ने सरकार से मामले में जवाबदेही तय करने को कहा है और लिखा, बालासोर उड़ीसा में भयावह ट्रेन दुर्घटना हुए 24 घंटे से अधिक बीत चुके हैं। क्या मानवीय और नैतिक आधार पर शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही नहीं तय की जानी चाहिए? विशेषज्ञों, संसदीय समिति, सीएजी रिपोर्ट की चेतावनियों और सुझावों को नजरअंदाज करने के लिए कौन जिम्मेदार है? रेलवे में खाली पड़े पदों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फंड की कमी के लिए किसकी जिम्मेदारी तय होगी? लाल बहादुर शास्त्री जी, नीतीश कुमार जी, माधवराव सिंधिया जी के नैतिक रास्ते का पालन करते हुए क्या रेल मंत्री जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? राहुल और प्रियंका से पहले इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। घटनास्थल पर उनकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बहस तो काफी वायरल भी हुई। ममता बनर्जी ने इसे सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना बताई है। तो वहीं अब राहुल और प्रियंका ने भी हादसे को लेकर सरकार को घेरा है, जिस वजह से ये भीषण हादसा भी सियासी रूप ले चुका है। फिलहाल सरकारी आंकड़ों की माने तो इस हादसे में अब तक 275 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और करीब 1000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।